गए हैं, इसको बोलते हैं एडवांस स्टार्टर, यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल। मतलब ये स्टेशन में यहाँ पे लास्ट गाड़ी रुक सकती है, इसके बाद नहीं। तो यहाँ पे दो ठो एस्पेक्ट रहता है, एक है रेड एक है ग्रीन। इसके बाद ये वाला सिग्नल देखिए, एक ठो ऊपर में राइट साइड में चला गया, तीन ठो LED दिख रहा है वहाँ पे ऊपर में लैंप। तो इसी टाइप का जो है इसको बोलते हैं रूट इंडिकेटर, मतलब कौन सा रूट पे गाड़ी जाएगा उसको इंडिकेट करने के लिए ये दिया जाता है रूट इंडिकेटर। मतलब मान लीजिए अभी ये जो लाइन जा रहा है सीधा जा रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए इस तरफ एक ठो लाइन चला गया, इस तरफ एक ठो लाइन चला गया, तो उसी टाइम कौन सा रूट पे गाड़ी जाना है वो स्टेशन मास्टर डिसाइड करेगा कौन सा रूट पे वो गाड़ी लेगा। तो उसी टाइम ये रूट इंडिकेटर उसी हिसाब से ग्लो करेगा। तो मान लीजिए जिस तरफ रूट इंडिकेटर दिया जाएगा उस तरफ वो व्हाइट कलर का 5 LED जलेगा। मतलब रूट इंडिकेटर का जो लैंप है वो व्हाइट कलर का होता है। अभी देखिए, शायद देख पाएंगे कि नहीं पता नहीं, देखिए पीछे क्रॉस मारा हुआ है व्हाइट कलर का सिग्नल के पीछे। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये वाला इस तरफ से जो गाड़ी आ रही है उस तरफ जो गाड़ी जा रही है मतलब उस तरफ, उसके लिए ये सिग्नल नहीं है, उसको ये सिग्नल फॉलो करना नहीं है, तो इसलिए ये क्रॉस मार दिया जाता है। ये जो लोहे का रॉड दिख रहा है यहाँ से लेके आपका पिलर तक गया है चम्मच तक, ये ग्राउंड के लिए दिया जाता है, लीकेज करंट को ग्राउंड करने के लिए ये दिया जाता है। ये हम लोग आ गए अभी होम सिग्नल की। देखिए रूट इंडिकेटर का जो बात बोल रहा था, बीच में एक तो लैंप रहेगा और दोनों एंड में चार ठो करके लैंप रहेगा। तो ये रूट इंडिकेटर, ये व्हाइट कलर का है, सभी मतलब जिस तरफ जाएगा वो 5 व्हाइट जलेगा, या इस तरफ जाएगा तो ये 5 व्हाइट जलेगा, बीच वाला कॉमन है। उसके बाद है देखिए, तीनों एस्पेक्ट है। नीचे देखिए छोटा वाला जो सिग्नल दिख रहा है उसके नीचे सी लिखा हुआ है, मतलब ये कॉलिंग ऑन सिग्नल है। मान लीजिए ये सिग्नल होम सिग्नल जो है ये अगर फेलियर हो गया तो उसी टाइम स्टेशन पे गाड़ी बुलाने के लिए स्टेशन मास्टर ये कॉलिंग ऑन को ग्लो करते हैं और गाड़ी को बुला लेते हैं। उसी टाइम एक लिमिटेड स्पीड में गाड़ी को स्टेशन तक ले जाना है। तो ये जो है वो कॉलिंग ऑन सिग्नल, इसका जो LED यूनिट है इसका कलर है येलो कलर, और बाकी तो आप होम सिग्नल का तो जानती हैं, मेरा पिछला वाला वीडियो में ऑलरेडी सभी सिग्नल का एस्पेक्ट बता दिया मैंने, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर से आ गए वही वाइट कलर का कुछ बक्सा, जैसे कि वहाँ पे है L11 लोकेशन 11, इसमें कुछ कुछ है जो कि सर्किट प्लान में लिखा होगा। उसके बाद है ये L11 है, इसमें जैसे लिखा हुआ है 180F 180R 1TR, यह है ट्रैक सर्किट के लिए, फीड एंड रिले एंड, टीयर मतलब रिले एंड के लिए होता है और एफ मतलब फीड एंड के लिए होता है। उसके बाद यह है बी बॉक्स, मतलब बैटरी बॉक्स, इसमें बैटरी रहता है जो कि सप्लाई देता है ट्रैक सर्किट में। ये ट्रैक सर्किट के बारे में मैं और एक डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे कनेक्शन होता है और क्यों इसमें बैटरी वगैरह दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ ग्रेडियंट मेंटेन स्पीड, मतलब यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पे एक स्पीड मेंटेन करना चाहिए, तो इसलिए ये साइडिंग बोर्ड आपको दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रिज आ गया जो कंजोरी ब्रिज है, जिसका डायमेंशन भी मेंशन किया गया है 4x18.3 meters। तो ये है इस ब्रिज का डायमेंशन। तो यहाँ पे जो बीच में एक रेल दिख रहा है आपको, ये सभी ब्रिज में आपको देखने को मिलेगा लगभग, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग रेल, एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरफ का मिलेगा आपको, कुछ देर तक सपोर्ट देने के लिए रेल इस्तेमाल होता है। मान लीजिए गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया या ब्रिज का कुछ दिक्कत हो गया, उसी टाइम अगर थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए इस टाइप का रेल यूज होता है इधर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।